फैब्रिक कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर ले गया जाए, क्योंकि तो बैक लेंथ हमें रखना है 36, तो 36 माइनस योग, योग की लेंथ है 9, 36 माइनस 9 27, 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 हमें फैब्रिक चाहिए होगा नीचे के लिए, तो 27 इंटू 3 कितना होगा अप्रॉक्स 85 इंचेस अप्रॉक्स। तो 85 इंचेस में कितना होता है 2.5 मीटर फैब्रिक मान लेते हैं, तो 2.5 प्लस हाफ 3 मीटर इन एम्ब्रॉयडर्ड नेट, यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, आप इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हो राइट। इसको इसका हमें ट्रिपल ले लेना है और हम फुल सर्कुलर भी काट सकते हैं या फिर वो लेयर वाला भी काट सकते हैं, हम फुल सर्कुलर कटिंग करने वाले हैं तो ट्रिपल फैब्रिक ले लेंगे। देन प्लेन नेट कैलकुलेशन, आप देख सकते हैं कि प्लेन नेट जो है बैक की जो एम्ब्रॉयडर्ड नेट है फ्रंट से इतनी शॉर्ट देन बैक से फुल लेंथ है, लेकिन प्लेन नेट की लेंथ सेम रहेगी। प्लेन नेट आप देख सकते हो कि सबसे नीचे लगा हुआ है और सब सेम लेंथ है। ऐसे देखो प्लेन नेट यहीं तक है, तो प्लेन नेट की लेंथ हम रख देते हैं 27, पूरा रखना 9 घूम जाएगा, प्लेन नेट की लेंथ हम रखेंगे 18 इंच। तो 18 इंटू 5 5 नेट के लेयर हम काटेंगे, 5 से 6 भी काट सकते हैं। सो 18 इंटू 6 हमें फैब्रिक चाहिए होगा। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू कैलकुलेट, मैं कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। दोनों साथ में मेरा चार्ज लगाया था उधर हो रहा सामने आपके यानी 110 इंचेस फैब्रिक। 110 इंच में कितना होता है, 1 मीटर में 40 इंच होता है, तो 3 मीटर जितना हमें चाहिए, जितना हमारा आता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे। 120 इंच में 3 मीटर चाहिए था, तो 3 मीटर आपको प्लेन नेट चाहिए। ऐसा मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप में से कोई ऐसा डाउट नहीं हो कि ये 3 साल के बच्चे का ही बता रहे हैं या 6 साल के बता रहे हैं, तो हम 7 साल का कितना फैब्रिक ले। आप अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यू कैन डू योर कैलकुलेशन बाय योर सेल्फ विद दिस टेक्निक, सो यू डोंट हैव टू आस्क मी। अब सैटिन, सैटिन भी हाई लो चाहिए, तो सैटिन इसके जितना ही हमें फैब्रिक चाहिए, सैटिन एंड एम्ब्रॉयडर नेट सेम। कॉटन फैब्रिक 2 मीटर मीन्स हाफ मीटर फॉर अप साइड एंड डाउन साइड, स्कर्ट लेंथ इंटू 2, तो 2 मीटर से भी कम में हो जाएगा, 1.5 टू 2 मीटर। जितना फैब्रिक कैलकुलेशन में आ रहा है उससे हाफ मीटर एक्स्ट्रा ही लेना है, यू हैव टू टेक हाफ मीटर एक्स्ट्रा। सो फैब्रिक कैलकुलेशन क्लियर हो गई कि किसमें कितना मीटर फैब्रिक जाएगा, कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम सबसे पहले